और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में मुद्दा बहुत जरूरी है, मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों के दौर का यह फॉर्मूला आपने कई बार सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन सवाल है कि डिवाइड एंड रूल वाला यह टूल क्या आज भी इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि युद्ध चल रहा है इसराइल और हमास का, लेकिन इसका आभास भारत में भी साफ तौर पर दिख रहा है। हमास के नाम पर ताली पीटने वाले मैदान में कूद चुके हैं, फिलिस्तीन के नाम पर 2 मिनट का मौन धारण किया जा रहा है, और बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग हमास वाले वीडियो को भेज रहे हैं। यानी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खुलकर तुष्टीकरण का खेल खेल रही है, जो उसने कर्नाटक में किया था। लेकिन मुद्दा सिर्फ तुष्टीकरण का नहीं है, जातियों के नाम पर भी बंटवारे की चाल चली जा रही है। श्री रामचरितमानस से लेकर हिंदुत्व तक को कोसने का एक बड़ा एजेंडा इस देश में चल रहा है। दलितों को हिंदुओं से अलग दिखाने की कोशिश खूब हो रही है बीते एक साल के अंदर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप वोट की खातिर सामाजिक एकता और देश हित को दांव पर लगा दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, चुनावी बिसात, कभी मजहब तो कभी जात। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में। युद्ध इजराइल हमास में, सियासत हिंदुस्तान में, हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती होगा तो उसको रोकने के लिए वो अपने मुल्क के बचाव के लिए जरूर काम करेगा, तुष्टीकरण नहीं है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। हमास इजराइल की लड़ाई भारत में वोट बैंक पर आई। ये हिंदू वोट आपसे छटक ना जाए, भाग ना जाए। आप कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, कि आपकी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। गाजा के नाम पर तुष्टीकरण ब्रिगेड काम पर, कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता कभी दिखाई नहीं देता। गाजा पे इसराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है? अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बाल बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जब कोई नई मुद्दा मिलता है तो इस नए ध्रुवीकरण की तलाश में रहते हैं। चुनाव का एजेंडा बांटो और राज करो फंडा। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है, राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाए। चुनावी विसात, कभी मजहब कभी जात। तो जनता जनार्दन के बीच होगी आज इस सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा। सबसे पहले तो जनता जनार्दन आपका अभिनंदन, आपके लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के आइडियोलॉग, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। शादाब चौहान है नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ेंगे, लगता है थोड़ी देर हो गई है, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनका भी अभिनंदन है। आ गए हैं लगता है पूनावाला जी, ये क्या डाल के आए हैं महाराज? सांस लेने दीजिए मुझे एक मिनट, अब तो मैं स्टूडियो में आ चुका हूं, मैं दिल्ली से आ रहा हूं।
और दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, वहां पर वायु प्रदूषण है महाराज, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सियासी सांप्रदायिक प्रदूषण के भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। चलिए तो आदम मास्क लेकर आए हो, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर शहजाद पूनावाला मेरे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्वामी दीपांकर हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं, शदाब चौहान हैं और साजिद रशीदी हैं। मैं सवाल शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपसे, और 50 सेकंड आपके, मेरा निवेदन है सब अपनी अपनी टर्न पे बोले जिससे चर्चा व्यापक हो और लाखों करोड़ों दर्शकों तक जाए। क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप पैलेस्टाइन से लेके हिंदुस्तान तक एका करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं का बंटवारा करना चाहते हैं, और यह आरोप बार बार विपक्षी दलों पर लग रहा है, बताइए। देखिए, पहली चीज ऐसी है कि यह एक जो काल्पनिक कास्ट प्रॉब्लम को कह रही है भारतीय जनता पार्टी, गलत है। जातिवाद इस मुल्क की समस्या आज से नहीं, सैकड़ों सालों से रही है, इसको मानना पड़ेगा। कास्ट अट्रोसिटीज हुई हैं, दलितों को दबाया गया है, बैकवर्डों को दबाया गया है, और इसी वजह से रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, जिसके खिलाफ धीरे धीरे एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है कि पहले हम बताएंगे लोगों को कि साहब कास्ट की प्रॉब्लम थी ही नहीं, है ही नहीं, हिंदू तो एक है, कोई समस्या थी ही नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके आरक्षण को हटाओ। ये इनकी एक निर्णय है, इनकी एक स्ट्रेटजी है जिसके हम खिलाफ हैं। हमें कास्ट को हटाना है। मैंने जो सवाल पूछा था, आपके 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन उस सवाल का उत्तर नहीं आया कि एक तरफ तो आप एका करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बंटवारा करना चाहते हैं, यानी 80 में बंटवारा 20 तो है हमारा। बिल्कुल नहीं, 80 में कोई बंटवारा नहीं, 80 तभी साथ होंगे जब जो दलित है वो भी उठ करके जनरल कैटेगरी के बराबर आ जाएगा जी, तो वेलफेयर करें हम उनका। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि हम वेलफेयर करना चाहते हैं और आप जो है वो सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, इनका काम वेलफेयर है, आपका काम कॉम्युनल एजेंडा चलाना है। देखिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, मतलब कि बांटो और राज करो, और ये जो नए अंग्रेज है जो उनकी विरासत लेकर घूम रहे हैं वो हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को एक करो और साथ दो। इनसे पूछे सांप्रदायिक एजेंडे की बात करते हैं, मैं 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं और विवेक श्रीवास्तव जी एक एक करके बताए। विवेक श्रीवास्तव जी, यहां पर बैठे हुए एक व्यक्ति है साजिद रशीदी, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है। सोमनाथ मंदिर गजनवी ने इसलिए तोड़ा क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं के साथ क्या हो रहा है वो जाकर गजनवी को बताया गया। क्या ये बयान सांप्रदायिक है या ये बयान सेकुलर है, पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरा, शादाब चौहान, जज साहेब ये एरिया को सील कर दीजिए क्योंकि हो सकता है रास्ते में ये जो डिवाइडर है इसको शिवलिंग बोला जाएगा, सांप्रदायिक या सेक्युलर ये बयान। और तीसरी बात देखिए, ये कह रहे हैं ना जातियों के बारे में, 1979 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमने कहा, मंडल कमीशन रिपोर्ट बनी, 1980 में किसकी सरकार थी, इंदिरा जी, अपोज किया, एक सेकंड, 1980 में अपोज किया, बीच में मत बोलिए, जनता की जनता पार्टी की सरकार, उसी ने बनाया मंडल कमीशन और उसी ने रिपोर्ट दिया, बिल्कुल थे, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आपको पता नहीं है क्या। दूसरी बात, 80 में विरोध किया इंदिरा जी ने, 84 में राजीव गांधी की सरकार आई, विरोध किया, 1990 में राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आज इनका नारा है जात पर और पात पर वोट मिलेगा बांट कर, यही इनका नारा है ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट का, क्यों उन्होंने विरोध किया बताइए एक बार। दूसरी बात बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी का परिवार हो गया, आप गलत थे और आज आप लोग सही हैं। तीसरी बात, एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए, हमारे गठबंधन के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ओबीसी समाज से आते हैं, इंडी गठबंधन का कौन है, हम तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना रहे हैं, आप बताइए किसको बना रहे हैं। अब आप सुनिए, ठीक है, ओके ओके, जवाब जवाब, काउंटर जवाब 30 सेकंड, देन शहजाद चौहान 20 सेकंड लूंगा। दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें, एक बार कह रहे हैं साहब अंग्रेजों की विरासत थी जातिवाद, तो अंग्रेजों की विरासत थी तो आप मंडल कमीशन को भी जस्टिफाई एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं अंग्रेजों की विरासत थी, तो यू आर कंफ्यूज्ड। आप पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि जातिवाद अंग्रेजों की विरासत थी या हमारे धर्म की एक कुरीति थी जिसको हमें हटाना है। यू आर कंफ्यूज, डिवाइड एंड रूल, तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। अच्छा, डिवाइड एंड रूल नहीं है, वेलफेयर करना है जिससे हर जाति का नागरिक एक समान हो जाए, एक दलित भी एक जनरल कैटेगरी के बराबरी का हो,
ये क्योंकि सीपीएम सीपीआईएम का ये प्रतिनिधित्व, लेकिन लेकिन मेरा कहना ये है, जी जी मेरा कहना ये है दोष तो फिर आप बार बार कहते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो दोष तो फिर हिंदू समाज का है, वो डिवाइड होके जाता है भाई। देखिए ऐसा दोष तो उनका है। हाँ एक सेकंड, मैं उस पर भी आता हूं, पर मुझे एक बात बताइए, पहले तो मैंने कहा कि डिवाइड एंड रूल करना ये जो अंग्रेजों की फिलॉसफी थी, मुझे बताइए ये लेफ्ट सरकारें चलाते हैं। केरल में अभी एक रैली की गई और उसमें हमास को मंच दिया गया, हमास के आतंकवादी को मंच दिया गया। एक सेकंड, ये धर्म कैसे, हमास किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हमास धर्म से जुड़ा हुआ है? अब हिंदू मुसलमान कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? हमास कौन से धर्म से? आप हिंदू मुसलमान करें। एक सेकंड, इन्होंने हमास की बात करी, इन्होंने मैंने मुसलमान बोला ही नहीं। एक सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए, अभी मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द आएगा, हो जाने दीजिए, पहले बात हो जाने दीजिए, अभी दोनों बातों पे शब्द आने जा रहा है। अरे भाई क्या तरीका है डिबेट का, बोलिए सर। हमास के विषय में हमास को प्लेटफॉर्म दिया गया, उस पर क्या एफआईआर आपकी सरकार ने की है, या आपको लगता है कि हमास के आतंकवादियों को मंच देना सही है? और दूसरी बात, इसी का जवाब ले रहे थे, एफआईआर करी, जनता को बताइए एफआईआर करी, हाँ या ना? जी जी, हाँ या ना, एफआईआर करी कि नहीं करी? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली चीज सब बच्चों आपको मानना पड़ेगा ये डाइवर्ट हुए कि नहीं हुए, जाति के डाइवर्ट हुए, मैं तो पूरा करना चाहता हूं, जाति का डिस्कशन था, हमास पे लाए, जब नहीं उत्तर दे पाए तो हमास पे ले आए, उत्तर दीजिए ना आप, जब हमास पे नहीं उत्तर दे पाएंगे तो जाएंगे हिंदू मुसलमान पे, एक्स चीफ ने केरल में संबोधित करा, फिर जाएंगे अयोध्या पे। हुई जी, आपसे एक सवाल पूछा गया सर, बोलिए सर। देखिए बाकी मेहमान भी है, मैं आप ही के पास ज्यादा आ रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक्स चीफ ऑफ हमास ने एक रैली करी, एफआईआर केरल में आपकी सरकार ने करी या नहीं? देखिए वो एक, अब आप डाइवर्ट मत करिए, आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़ा करिए जवाब जिनको मिलना चाहिए, हाथ खड़ा करिए जिनको लगता है कि जवाब मिलना चाहिए इस बात का, लगभग 100% हाथ खड़े जवाब, एफआईआर करी या नहीं करी? वो एक रिकॉर्डिंग थी, उसको स्टडी किया गया, जमाते इस्लामी से भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है, अगर उसमें से कुछ गलत निष्कर्ष आएंगे तो एक्शन होगा। और बोले हिंदुत्ववादी ताकतों को हराना है, और आप उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, हिंदुत्व बुलडोजर हिंदुत्व हुआ था, क्यों बोलेगा हमास का, हमास का हिंदुत्व हिंदू धर्म का अंग नहीं है? बुलडोजर हिंदुत्व के माध्यम से बोलने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व एक जीवन शैली है, तो बुलडोजर हिंदुत्व क्या है? और वो पोस्टर लगना ही गलत था, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं की? दूसरी बात, माइनॉरिटी को दबाने के लिए एक शब्द है बुलडोजर हिंदुत्व। शदाब चौहान, एक लास्ट 15 सेकंड, दीपांकर, हमारी पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी है जो प्रधानमंत्री है ओबीसी समाज से, एक सेकंड, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी घूमा तो आप कह रहे छोटे मोटे नोटों की कटी हुई थी भाई, तरीका नहीं है, अच्छी बात है साहब, विवेक जी तरीका नहीं है, विवेक जी तरीका नहीं है, वो दलित थे, भाई विवेक जी तरीका नहीं है डिबेट का, उनकी मोटे मोटे विवेक जी तरीका नहीं है, जी का नाम क्यों ले आए? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सीपीआईएम सीपीएम बता दे कि इनका कौन सा पॉलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी जनरल कभी भी दलित रहा है, या मुझे एक नाम बता दे जो ओबीसी प्रधानमंत्री में इन्होंने सहायता दी। मैं 5 सेकंड, शदाब चौहान, शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, ये इसराइल की तरफ से हो रहा है, और रशीदी साहब का बयान तो सुनी लिया है आपने, उन्होंने क्या बोला जो हमने चलाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ तो तुष्टीकरण की बात हो रही है और दूसरी तरफ बंटवारे की बात हो रही है, क्या आपको लगता है दोनों रणनीतियां सूट करती हैं आपके विचार को? पहले तो हम लोग हर तरह के वायलेंस को, वॉर को कंडम करते हैं, किसी को भी किसी पे भी जुल्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन फलस्तीन पर इसराइल ने कब्जा किया और पिछले 15 सालों से लगातार 33,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख लोगों को मर्डर कर दिया इनोसेंट सिविलियंस का, कहां चले गए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? दूसरी बात, जब 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, वो यूनाइटेड नेशन के जनरल ने, सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यह वैक्यूम में नहीं हुआ था, यह बदले की भावना में हुआ था, डेफिनेटली बच्चों की किलिंग जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ने और इसराइल ने कहा बच्चों का कत्ल किया गया, बाद में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया, फिर कहा गया रेप किया गया। मैं सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में रहे, मेरा कहना है कि एक तरफ तो हमास के नाम पर भी एका करने की कोशिश है और दूसरी तरफ बंटवारे की कोशिश है, उसका जवाब नहीं। अगर डायरेक्ट सवाल, अगर हमास आएगा
तो फिर भारत के साथ साथ जो यहां का विषय वहां का भी पूरी बात जानी चाहिए ना। पूरी बात यह है कि फलस्तीन के लोग अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और याद करिए उस दिन को जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और हमारे वीर बहादुर शहीद भगत सिंह को उन्होंने क्या कहकर के पुकारा था, जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे उनको आतंकवादी कहा जाएगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है, भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेजों ने? नहीं नहीं, तो भगत क्या कहा? भगत सिंह थे ना? भगत सिंह क्या कहा ये बता दीजिए ना? भगत सिंह जैसा कोई होगा अंग्रेजों को? इसलिए मैं कह रहा हूं अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ आप हमास के आतंकियों को हमास का नाम ही नहीं है। फलस्तीन के लोग जो हैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो कब्जा किया उनकी जमीन पर, और 4500 बच्चे मार चुके हैं पिछले 15 दिन में, किसी की आंख में आंसू नहीं है। उनके बच्चे नाम लिख रहे हैं वो अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे के ऊपर जब स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक कहीं, मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि ये मेरा बेटा है? आज उन माओं के दर्द को हम नहीं समझ रहे, हर कोई भी उनके उनकी माओं का दर्द समझने के लिए भारत में जातिवाद का जहर खोलना जरूरी है। हाँ, इसलिए सुनिए पूरी बात। हाँ, क्या आज तक कभी किसी ब्राह्मण ने मल उठाया है गांव में देहात में? अगर उठाया है तो एक का नाम बता दीजिए। वो काम सब दलितों से करवाओगे? एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना स्वामी दीपांकर, भारत का एक प्रधानमंत्री दलित। अब सर आपने 2 मिनट बोला स्वामी दीपांकर, देन साजिदर्शी दी, कोई और इंटरवीन नहीं करेगा। मैं दीपांकर जी आपके पास आता हूं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जिनके नेत्र नहीं है लेकिन जानी जान है, वो कहते हैं कि बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर जनगणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये कितना घिनौना हो गया है। जब साधु संतों को ये बोलना पड़ जाए तो हालात वाकई क्या बिगड़ रहे हैं? अच्छा अमीश भाई, दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपको नहीं मालूम पिछले 350 दिनों से सड़क पर उतरकर सबको एक ही बात कह रहा हूं कि कम से कम अब जातियों में मत बटिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1951 में संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश को जातिवाद में बटने की और जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। तो फिर जातिगत जनगणना बिहार में वो करा रहे हैं जो कथित गांधीवादी हैं, और कराया कब? 2 अक्टूबर में उसको दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि हमने देखिए जातियों में हिंदुओं को बांट दिया। कभी हिम्मत जुटाइए ना साथ दादा, कभी मुस्लिम में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए, कभी ईसाई में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए, कभी इन बच्चों को बताइए सिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कमरिया घोसी गयाना तेली अंसारी पसमांदा, इन्हें भी तो बताइए सर, सिर्फ हिंदू को ही बांटिएगा? ब्राह्मण बनिया जाट गुजर त्यागी यादव सैनिक क्यों? आप बटे हुए हो। लेट मी कंप्लीट ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लेट मी कंप्लीट पॉइंट तो सही है, आप उनकी बात से डिसएग्री करें तो बटे हुए तो हो दादा, मैं हिंदू तो जाति में बटा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हिंदू जातियों में बटा हुआ था, अब हिंदू एक होने की दिशा में चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमीश बाबू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे साथ जुड़े 47 लाख लोग कह रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं 47 लाख लोगों को एक विचार के साथ खड़ा कर पाया। और छोड़ दीजिए, मैं नहीं जानता कौन बच्चा कहां से आया है, हिंदू होने में विश्वास रखते हो या जातियों में बटने में? मैं भारतीय होने में विश्वास रखो, ये कोई बात ही नहीं, भारतीय सब है, ये कहे की बात आ गई? भारतीय अपने को मानो। सबसे बड़ी अगर जो कोई वर्तमान सर्जिकल स्ट्राइक है तो वो उस सियासत पर है जो हिंदुओं को जातियों में बांट रही है। बताइए 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले थे, उसने कहा जिसकी ठोड़ी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो डाइवर्ट कर रहे हैं। सुनिए, देख दादा, आपने बोला मैं नहीं बोला, वो आपके बीच में नहीं बोले, बिल्कुल सुनिए, ऐसा बोला नहीं चलेगा। जब ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर बांट रहा था, मैंने कब कहा कि तेली ऊंचाया माली लोहार ऊंचाया सुनार, हिंदू हिंदू था, इसलिए कह रहा हूं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। और याद रखिए एक लास्ट बात, क्या जी 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 10 सेकंड, एक लास्ट बात याद रखिए कि मां भारती के शरीर के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में गिनकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। अगर आप बटे तो भारत का भविष्य क्या होगा? भारत के लिए भी बात कहने की बहुत जरूरत नहीं है। और अगर भारत के लिए बात कर लीजिए, और अगर आप नहीं बटे तो आपको क्या लगता है कि भारत अगर हिंदू बटेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा? नहीं, एक सेकंड, उनसे सवाल है मेरा, अगर हिंदू बटेगा जैसे स्वामी जी ने कह रहे तो क्या भारत सुरक्षित रहेगा? सवाल है ये, जवाब देखिए, बात हिंदू की नहीं है, बात हिंदुस्तानियों की है।
पसमानदा मुसलमान का नारा किसने दिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? जब इसराइल के साथ खड़े होकर बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने आकर सामने कहा जी हम तो फलस्तीन के साथ हैं, और फिर महमूद अब्बास से बात की जाती है, और यहाँ इलेक्शन रैलियों में सब जगह ये कहा जाता है कि हम इसराइल के साथ हैं और हमास आतंकवादी है, और आप वहाँ ऐड भी दे रहे हैं इंसानियत के नाम पे। करनी कुछ है, कतनी कुछ है। आप देखिए, ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? इसी का नाम तुष्टीकरण है। मैं एक वीडियो आप दिखाता हूं, और वो वीडियो है जमील खान का, जो कि मंत्री है कर्नाटक के, और मुझे लगता है वो वीडियो आप सबको देखना चाहिए, आप सबको देखना चाहिए। वो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, उस वीडियो में जो कुछ हो रहा है। भाई कर्नाटक के अंदर एकजुट होकर मुसलमान कैसे वोट करा? हम लोग लगातार 6-8 महीने से इंडोर मीटिंग करते थे, कभी हम लोग दिखा रहे नहीं हम लोग क्या करते करते, यानी हर उलमा इकराम को लेके, हर मस्जिद के मौजन के इमाम सारे को कॉन्फ्रेंस में लेके, कर्नाटक के अंदर वो जमात के साथियों को लेके काम के पहली बार हम लोग। तो इनका कहना है कि हमने मुसलमानों को इकट्ठा करा, इसलिए बीजेपी की हार हो गई उधर, और अब देखिए आपका पूरा एजेंडा चलेगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कहने का प्रयास हुआ है, और साथ ही साथ एक तरफ हिंदुओं का बंटवारे की बात हो रही है, यानी जात पात। मैं सीधा रुक करता हूं आपका शहजाद पूनावाला, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं। इससे पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में क्या बोला था? 90% मुसलमान एक हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कटिहार में सिद्धू ने बोला था, सोनिया गांधी जी ने जामा मस्जिद के इमाम से अपील करवाई थी, और राहुल गांधी ने तो बंद कमरे में कहा था कि हम एक मुस्लिमों की पार्टी है, इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या केवल इतनी है। उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, इंकिलाब के इंटरव्यू में कहा था, आप चेक कर लीजिए। और बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए, बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए। राहुल गांधी की पार्टी ज्वाइन कर लिए क्या? भाई 80-20 का नारा की जो बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को 20% वोट मिला था, बाकी 80 हमने अपने तरफ मांगे, और 20% वोट समाजवादी पार्टी को बोला कि दूसरी बात। मुझे लगता है कि एक का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये चल कह रहा है, ये चल रहा है पॉलिटिक्स ऑफ कैप। क्या आपका पता है मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट एंड पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, मतलब और कुछ ना समझे, कैप पॉलिटिक्स चल रही है। मैं इनसे केवल एक दो सवाल पूछ देता हूँ, मैं केवल एक दो चीज बता देता हूँ। भाई विवेक जी, आप मुगलों का रूल आने जा रहा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने जा रही है, मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे, हिंदुओं का क्या होने जा रहा है, क्या तरीका है? अब जवाब सुन लेते हैं। कह रहे कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं, देखिए मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा, जमीर खान नहीं कर रही है सब कुछ। देखिए ऐसा है, पहले तो जमीर खान वही व्यक्ति है जिसने कहा कि हिजाब नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, और ये जाकर वो राजस्थान में कह रहा है कि जैसे कर्नाटक में हमने चुनाव जीता है तो खुलकर आकर कांग्रेस पार्टी बोल देना। इस वीडियो के एंड में आप पूरा वीडियो चलाएंगे तो उसमें कहता है अरे रिकॉर्ड मत करना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, वो हिस्सा भी इस वीडियो में। अगर कोई गलत बात नहीं थी तो खुले में आकर कांग्रेस पार्टी ऐलान क्यों नहीं करती कि हम मुसलमानों का वोट मांग रहे, और फिर जब चुनाव आते तो सीजनल हिंदू क्यों बन जाते? दूसरी बात, मेरा केवल इतना कहना है, ये तो नास्तिक की पार्टी है ना, एथियस्ट पार्टी है। अगर कोई भाजपा का सांसद बोलता सारे हिंदू एक हो जाओ बोलते ही हो तो आप क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक कहते हो, तो सांप्रदायिक नहीं है ना, सांप्रदायिक नहीं है। नहीं, आपको मैं अभी बोलने नहीं दूंगा। देखिए मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये तो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग तो एथियस्ट पार्टी है, हम रिलीजन को ओपियम मानते हैं मासेस का। मुझे बताइए कि इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में करना ये जायज है, तो आरएसएस की शाखा टेंपल में लगने पर इन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया केरला में? आरएसएस तो राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं है, आरएसएस की शाखा पर प्रतिबंध लगता है टेंपल में करने से, परंतु इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में हो सकती है कैसे? जमीर को सुनिए, मुझे 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 शादाब की बात आ रहा है, शादाब शादाब मैं आऊंगा आपके पास, बात आ रहा हूं मैं, एक सेकंड। देखिए ये गलत है, शादाब चौहान मैं आपके पास आ रहा हूं। शादाब चौहान, सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, शहजाद पूनावाला पे, जेपी नड्डा पे, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, बीजेपी पे सारे आरोप की। देखिए बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, ये कर्नाटक के मंत्री किसके नाम पर वोट मांग रहे थे? वो किसको एकजुट करने की बात कर रहे थे? वो इंडोर मीटिंग क्यों कर रहे थे, और क्यों क्यों कह रहे थे कि जो हमने कर्नाटक में करा है वो कर दो तुम राजस्थान के अंदर? और अगर सब कुछ सही था तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहे थे? जवाब दीजिए इस बात का।
पहली बात तो यह है कि भारत की कोई भी राजनीतिक दल किसी भी नागरिक से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से वोट मांगता है, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन क्यों मना किया उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए, वो बता दें। दूसरी चीज, वो मस्जिद में नहीं है, और अगर कोई बात कहता है कि मस्जिद से कांग्रेस के लिए वोट मांगा जाए, मैं उसको कंडम करता हूं। कांग्रेस नहीं, पूरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर बोल रहे गलत बात है उनकी बात, अब ये नहीं, फिर बर्दाश्त नहीं करोगे, यही प्रॉब्लम है शहजाद, यही गलत बात है। मैं आपके बीच में बोला नहीं बोला ना, नहीं आप बोलिए, पूरा प्ले कर लो, हाँ तो पूरा प्ले करवाइए। स्वामी जी, अगर कोई मस्जिद से या मदरसे से ये चीज करता है कि कांग्रेस को वोट दो, सपा को वोट दो, बसपा को दो, हम उसको कंडम करते हैं। तो आप कह रहे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, वोट मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? मुसलमान, मैं तो कह रहा हूं मुसलमान से मांगो, हिंदू से मांगो, कि लेकिन धर्म के आधार पर वोट तो ये महाराज किस आधार पर मांग रहा है? अब पूरी बात नहीं सुनेंगे, बोलिए ना। पूरी बात सुन लीजिए, धर्म के आधार पर वोट मांगने को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना किया है, लेकिन अब बीजेपी क्या बोल रही है, बोले हम करते हैं तो ये है, कांग्रेस कर रही है, यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये हिंदू के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, वो मुसलमान के नाम पर मांगना चाहते हैं, लेकिन ना उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया कांग्रेस ने, ना इन्होंने हिंदुओं के लिए किया, दोनों ने सिर्फ डिफरेंस क्रिएट किए। आज हर घंटे चार बहनों के साथ इज्जत लूटी जाती है पूरे देश में, आज अपराध होता है, रोजगार, प्रगति, किसान के हर मुद्दे पर सरकारें फेल रही। ये कहेंगे हमारी सरकार में कम बलात्कार होते हैं, कांग्रेस में जाते होते हैं, भैया होते तो हैं। ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट उठाया दीपांकर जी, ये तो जमील खान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे। मैं एक चीज समझता हूं कि क्रोध में शायद मेरा संदेश उन तक ना पहुंच पाए, जो वो कर रहे हैं वो उन्होंने आज अपना एजेंडा बता दिया, हालांकि चल बहुत पहले से रहा है, उन्होंने बता दिया, आपको पता लग गया, मगर अभी जब मैं बोलता लीक हो गया, पता नहीं लग गया, लीक हो गया, हाँ लीक हो गया कहा जा सकता है। अभी रशीदी जी कह रहे थे, बोले स्वामी दीपांकर की तो यात्रा ही समूची हिंदुओं को एक करने पे है, तो मेरी यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को, जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के लिए है। और मुझे लगता है कि राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समा दो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर चाहते थे जातिवाद समा, आप उनसे बड़े हैं क्या? बिल्कुल एकदम शांत खड़े रहिए भाई, ऐसा कैसे संभव है? आप बोल रहे हैं खत्म, आप किसी के बीच में नहीं बोल रहे भाई, आप बिल्कुल बेवजह कोई बात कहिए ही मत ना। मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में से हिंदू समाप्त हो गया, एक बार किसी ने चिट्ठी लिखा? बॉर्डर पर नरसंहार हो गए, एक बार चिट्ठी लिखा? और जिन्हें जानते नहीं पहचानते नहीं उनके लिए, उस हमास के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, शर्म नाम की चीज है। मैं जानता हूं, मैं कहता हूं कि फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन के जो बच्चों के साथ हो रहा है, बड़ों के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और कल हमास ने कितना बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया, हमें इनकी रक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं, फिलिस्तीनियों की, हमास ये बात कह रहा, और ये यहां हमास के आतंकी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हम आए, हम अगर आए तो भविष्य में आपका नाश कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल जवाब, जवाब विवेक जी का, जवाब विवेक जी का जवाब होगा। पहली चीज, मैं दीपांकर जी भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, आप जरूर करिए। आपसे मैंने पूछा आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इन्होंने बोला लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, मैं जातिवाद हटाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, जातिवाद जरूर हटाइए, लेकिन आपकी यात्रा में सब जुड़ेंगे। आप उसमें ये जो धर्मवाद देश में फैल रहा है इसको भी हटाइए, अच्छा, मुसलमानों को भी जोड़िए, ईसाइयों को भी जोड़िए, सिखों को भी जोड़िए, यह मेरी अपील है। भारत की बात करिए, आप संत हैं, मात्र सिर्फ हिंदू और एक समुदाय एक धर्म की बात मत करिए। ये देश है हमारा, में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। भारत का भविष्य तिरंगाई होगा, कह रहा हूं, भविष्य तिरंगा होगा, भगवान नहीं होगा। अगर नहीं बोलो तेरे साथ मैं भाजा कर बैठूंगा। कौन है वो जो महादेव के दरबार में अभिषेक करते हैं? कौन है वो जो अदृश्य हो जाते हैं? हाँ, यहाँ एक अदृश्य शक्ति है। कौन है वो जो दिव्य शक्ति कहलाते हैं? ये तो देव शक्तियाँ हैं, आकाश मार्ग से आना जाना इन लोगों का होता है। टीवी की दुनिया की सबसे अनदेखी अनोखी कहानी, यानी कि कोई आया है, उसने ये घंटी बजाई है। महाभारत की अमर कथा। अखिलेश कहे राहुल से,
बचना होगा फाउल से, ना चलेगा ये गठबंधन, तुम जीत लो फूल कमल से, ये बंधन तो स्वार्थ का बंधन है। जो घाव देश के सी आया, जो देश की खातिर जी आया, जो 370 धो आया, सरहद पर शक्ति बो आया, गठबंधन वाला घबराया, पर जनता ने ये फरमाया, मेरा नेता मोदी, मेरा नेता मोदी है। अब त्योहारों कल्पना से भी ज्यादा भीषण हवाई हमलों ने उत्तरी गाजा के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। लगभग 30 दिन की जंग में गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 19 हॉस्पिटल्स को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। इसराइल का दावा है कि मस्जिद, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतों के नीचे हमास ने कमांड सेंटर बना रखे हैं, जिसकी वजह से हमास के साथ साथ फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि गाजा में इजरायली सेना ने इस तरह से हमला किया है कि हमास के लड़ाके बुरी तरह से घिर गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक गाजा में 3,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 35 से ज्यादा हमास कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा हमास के टॉप कमांडर थे। 1300 से ज्यादा सुरंगों से भरे पड़े गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। खबर आ रही है कि हमास की 300 से ज्यादा सुरंगों को उत्तरी गाजा में तबाह कर दिया गया है। 30 दिन के जंग के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा अब दो हिस्सों में बट गया है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना मानवीय सहायता पहुंचवा रही है, वहां अगर कोई हमास लड़ाका पहुंच रहा है तो उसे मार गिराया जा रहा है, जबकि वहीं उत्तरी गाजा में जंग तेज हो चुकी है, जहां से फिलिस्तीनियों को तुरंत उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी देते हुए उत्तरी गाजा खाली करवाया जा रहा है। इसराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने दावा किया है कि अब इसराइल अगले 10 से 20 साल तक गाजा पर कब्जा रखेगा। गाजा को दो हिस्सों में बांटने से अब इजरायली सेना उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों और समर्थकों का पूरी तरह से सफाया कर रही है। इजरायल के लगातार हमलों ने गाजा के हर कोने में तबाही मचा दी है। अस्पतालों में लाशों और घायलों का ढेर लगा है। गाजा के एक अस्पताल के डॉक्टर ने ऐसी ही एक तस्वीर दुनिया के सामने शेयर की है। इस अस्पताल की तस्वीर से युद्ध की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आसमान से बमों की बारिश से किसी तरह बाल बाल बचे लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि अस्पताल के हर कोने में घायल मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर घायलों की हर संभव मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया के हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो चाहता है कि युद्ध विराम हो, ताकि युद्ध की आग में झुलस रहे गाजा के लोगों का जीवन फिर पटरी पर लौट सके। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह गाजा पर इजरायल की सेना के हमले का बदला ले रहा है। इजरायल को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। उधर गाजा के बाद लेबनान और इजरायल सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजरायल पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के 7 सैनिकों की मौत की खबर है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके 7 सैनिकों के साथ साथ एक आम नागरिक की भी मौत हुई है, जबकि इजरायल की सेना के जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा आतंकी और 10 आम नागरिकों की मौत हुई है। लंदन में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने लंदन में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया है जहां पर आईडीएफ से रॉकेट दागे गए थे। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला ने एक दिन पहले ही इजरायल को तबाह करने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजरायल लेबनान बॉर्डर पर भीषण विस्फोट के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। इजरायली सेना के मुताबिक उसने लेबनान सीमा के पास कई इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का भी दावा किया गया।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इसके बाद भी पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थकों ने इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई उनमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थक हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर मार्च करते हुए नजर आए। प्रदर्शन में शामिल हुए कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराते भी दिखाई दिए। दावा है कि इस प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए जो गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। इस दौरान वहां नारे लगा रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात दिखे। इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में कई बार रैली हो चुकी है। इस दौरान वहां हालात काफी गंभीर हो गए थे और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया था, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने रैली निकालने पर रोक लगा दी थी। इसराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया और लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी, क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि इसराइल की सरकार हमास की कैद से उनके लोगों को छुड़ाने में नाकाम साबित हो रही है। और इसके बाद उन लोगों का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भड़क गया और प्रधानमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हुए हजारों लोगों ने नेतन्याहू के इस्तीफे तक की मांग कर दी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया उनके परिवार के लोग बैनर पोस्टर लेकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इन बैनर पोस्टर में लापता हुए और बंधक बनाए गए लोगों के नाम समेत उनकी तस्वीरें भी नजर आई। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी जो भीड़ को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस अधिकारी से बहस भी होती नजर आई। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। गाजा में इन दिनों इसराइल के सैनिकों और हमास के लड़ाकों में सीधी जंग चल रही है। इसराइल की तरफ से जल, नभ और थल से हमला किया जा रहा है, तो हमास भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा। हमास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसके लड़ाके गाजा में इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी करते दिखाई दे रहे हैं। खंडहर नुमा इमारत में हमास के लड़ाके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करते हुए दिखाई दिए। हमास से जुड़े सूत्रों का दावा है कि हमास ने गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी की है और उसका मानना है कि वो अपने कट्टर दुश्मन को युद्ध में धूल भी चटा देगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास को उम्मीद है कि उसके हजारों लड़ाके फिलिस्तीनी इलाके के नीचे बनी सुरंगों में महीनों तक जीवित रह सकते हैं और गुरिल्ला रणनीति से इजरायली सेना को टारगेट कर सकते हैं। हमास का मानना है कि इसराइल की गाजा पर घेरेबंदी खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना भी जरूरी है। और उधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया। गाजा में युद्ध विराम की मांग करते हुए हजारों लोग यहां पर इकट्ठा हुए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें लोग फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए नजर आए, जबकि प्रदर्शन में शामिल लोग फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगा रहे थे और गाजा में हवाई हमलों में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से युद्ध विराम की अपील करने और इसराइल की सेना का फंड बंद करने की भी मांग की। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह चैलेंज कर रहे थे कि गाजा को कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन आज देखिए इजरायली सेना ने ऐलान कर दिया कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया है ताकि हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। हिस्सों में फाड़ दिया गाजा। हेलो मोटो, मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। इजराइल के हेरिटेज मंत्री कैबिनेट बैठकों में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। नेतन्याहू का बड़ा फैसला, गाजा पर परमाणु हमले की धमकी से नाराजगी के बाद एक्शन। मध्य प्रदेश के सिवनी में पीएम मोदी की जनसभा, बोले फिर बनेगी बीजेपी सरकार, बीजेपी है तो विकास की गारंटी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद लागू हुआ GRAPA-4, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह से प्रतिबंध, जरूरी सामानों को छोड़कर बाकी के ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक। या अल्लाह। ईरान, सीरिया, लेबनान, तुर्की, ईरान, जॉर्डन और मिस्र, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि महज 30 दिन की जंग में इजराइल गाजा पट्टी को फाड़कर दो हिस्सों में बांट देगा।
इसराइल की आईडीएफ के सैनिक भूखे शेरों की तरह हमास के लड़ाकों का शिकार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के दावों के मुताबिक आईडीएफ के सैनिक उत्तरी गाजा में बेहद अंदरूनी हिस्सों में पहुंच चुके हैं, जहां वो हमास के लड़ाकों को सुरंगों और इमारतों में ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके अपनी ही सुरंगों में जिंदा दफन हो रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके आखिरी जंग के लिए सुरंगों से निकलकर इजरायली सेना पर क्रूर हमले कर रहे हैं। और आईडीएफ को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक तबाही मचाने का ऐलान कर रहा है। كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة حافنے لگا حماس حقلانے لگا حزب اللہ सात अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में 720 घंटे की जंग हो चुकी है। हमास ने जमीन के ऊपर और सुरंगों के अंदर से इजरायली सेना पर पूरी ताकत से हमला किया है, लेकिन इसके बावजूद 29 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के हमले में इजरायल के आईडीएफ ने गाजा में हमास को रौंद कर रख दिया है। कल्पना से भी ज्यादा भीषण हवाई हमलों ने उत्तरी गाजा के चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। लगभग 30 दिन की जंग में गाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि उत्तरी गाजा में मौजूद 35 में से 19 हॉस्पिटल्स को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। इसराइल का दावा है कि मस्जिद, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतों के नीचे हमास ने कमांड सेंटर बना रखे हैं, जिसकी वजह से हमास के साथ साथ फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि गाजा में इजरायली सेना ने इस तरह से हमला किया है कि हमास के लड़ाके बुरी तरह से घिर गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक गाजा में 3,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 35 से ज्यादा हमास कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा हमास के टॉप कमांडर थे। 1300 से ज्यादा सुरंगों से भरी पड़ी गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने तबाह करके रख दिया है। खबर आ रही है कि हमास की 300 से ज्यादा सुरंगों को उत्तरी गाजा में तबाह कर दिया गया है। 30 दिन के जंग के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा अब दो हिस्सों में बट गया है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना मानवीय सहायता पहुंचवा रही है, वहां अगर कोई हमास लड़ाका पहुंच रहा है तो उसे मार गिराया जा रहा है, जबकि वहीं उत्तरी गाजा में जंग तेज हो चुकी है, जहां से फिलिस्तीनियों को तुरंत उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी देते हुए उत्तरी गाजा खाली करवाया जा रहा है। इसराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने दावा किया है कि अब इसराइल अगले 10 से 20 साल तक गाजा पर कब्जा रखेगा। गाजा को दो हिस्सों में बांटने से अब इजरायली सेना उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों और समर्थकों का पूरी तरह से सफाया कर रही है। इजराइल के लगातार हमलों ने गाजा के हर कोने में तबाही मचा दी है। अस्पतालों में लाशों और घायलों का ढेर लगा है। गाजा के एक अस्पताल के डॉक्टर ने ऐसी ही एक तस्वीर दुनिया के सामने शेयर की है। इस अस्पताल की तस्वीर से युद्ध की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आसमान से बमों की बारिश से किसी तरह बाल बाल बचे लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि अस्पताल के हर कोने में घायल मरीजों का इलाज चल रहा है।
डॉक्टर घायलों की हर संभव मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया के हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो चाहता है कि युद्ध विराम हो, ताकि युद्ध की आग में झुलस रहे गाजा के लोगों का जीवन फिर पटरी पर लौट सके। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह गाजा पर इजराइल की सेना के हमले का बदला ले रहा है। इजराइल को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। उधर गाजा के बाद लेबनान और इजराइल सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 7 सैनिकों की मौत की खबर है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके 7 सैनिकों के साथ साथ एक आम नागरिक की भी मौत हुई है, जबकि इजराइल की सेना के जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा आतंकी और 10 आम नागरिकों की मौत हुई है। लंदन में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। IDF ने दावा किया कि उसने लंदन में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया है जहां पर आईडीएफ से रॉकेट दागे गए थे। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला ने एक दिन पहले ही इजराइल को तबाह करने की धमकी भी दी थी, जिसके वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक बड़े दिल पे आपने बोला तो मुझे एक बात याद आ गई, इतना बड़ा दिल दिखाया कि पाकिस्तान अलग हो गया, इतना बड़ा दिल दिखाया कि बांग्लादेश चला गया, इतना बड़ा दिल दिखाया कि अफगानिस्तान अलग हो गया, अखंड भारत खंड खंड हो गया, बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में भाई ये बड़ा दिल इतना था। ओके स्वामी दिवाकर, ये बड़ा दिल इतना था। मैं अमीश भाई आपको संबोधित और विवेक भाई आपको संबोधित करते हुए दो शब्द कह रहा हूं। आपके बाजू में रशीदी जी खड़े हैं, हमने डिबेट शुरू होने से पहले शादेब भाई खड़े थे, हमने कहा कि मुस्लिम धर्म से भी कोई एक व्यक्ति ऐसा निकले जो सबको एक करे, वहां पे भी जातियां हैं उन्हें हटाए, 139 के लगभग उन्हें हटाए, सबको एक करे। दादा ये वही कह सकता है जो चाहता है कि एक हो, पर अब आगे बात सुनिएगा। अब जब आप कहेंगे कि धर्म से धर्म को छोड़कर, तो सर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैंने शुरू से वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़ी, क्यों, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है और मैं आज भी दुर्गा सप्तशती के पन्ना नंबर 47 पेज नंबर 23 पर लिखा हुआ वो श्लोक पढ़ता हूं कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि तू कर्म कर तेरा ध्यान मैं रखूंगी, ये मेरी भगवती शक्ति। बहुत अच्छी बात, तो मेरा दादा मैं इस बात को लेकर के 100% श्योर हूं। एक दिन रशीदी जी ने आप ही की डिबेट में कहा था हम इस्लाम को लेकर और धर्म को लेकर एक हैं, तो आपने कहा था कि तुम राम के नाम पर एक क्यों नहीं हो जाते, मुझे आज भी याद है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक होना वर्तमान में जरूरी भी है और भारत में रहने के लिए हिंदुओं की मजबूरी भी। देखिए आपने कहा कि आपने रशीदी जी को भी न्योता दिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप वेद पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, आप ध्यान लगाइए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप सब करिए, लेकिन प्रदर्शन सड़क पे क्यों, क्यों वोट मांगने के लिए क्यों, आप सुनिए, और वोट मांगने के लिए क्यों, और एक पार्टी के लिए वेद पुराण है, थोड़ा सा एक पार्टी के लिए वेद पुराण है, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन हिंदू को एक मत करिए, हिंदू को एक मत करिए, आप लोग यही कह रहे हो, ये सवाल है इनका, नहीं नहीं हिंदू एक तब होगा, हिंदू कब एक होगा, वो तब एक होगा जब एक दलित, एक ओबीसी का इकोनॉमिक स्टेटस, उसका पावर, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरल कैटेगरी के बराबर होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, खारिज हो जाती है, इस समय तमाम दुनिया इस शो को देख रही है, वो आपको अपने कमेंट्स में बता देगी और सामने बैठा यूथ बता देगा कि सड़कों पर उतरकर अपनों को जोड़ना चाहिए या नहीं, गांव गांव शहर शहर गली गली नहीं जाऊंगा, कोई जुड़ेगा शहजाद शहजाद सेकंड किसी के बीच में बोला, विवेक जी 45 सेकंड मुझे दे दीजिए। अभी विवेक जी ने कहा सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे स्वामी जी, ठीक है नमाज सड़कों पर होनी चाहिए, फिर 20% और 80% का नारा देने वाली बीजेपी है, 80% मुसलमान और 20% मुसलमान 80% हिंदू। सर जैसे इन्होंने कहा कि आप धर्म की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते, भारत भारत का एक और नाम है हिंदुस्तान, और हम कभी धर्म की बात नहीं करते हैं, हम भारत में हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, हिंदू, आप उस नाते आप भी हिंदू हैं, हमसे अनभिज्ञ नहीं है, तो हम हमेशा हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, धर्म की बात सिर्फ आप करते हैं, धर्म की बात सिर्फ आप कह रहे हैं, और हमें धर्म का नाम तब लेना पड़ता है जब 26/11 होती है और कसाब का ये पाकिस्तान का सपोर्ट हिंदुस्तान में बैठे
मुस्लिम के नेता करते हैं और दूसरी बात श्रद्धा के ऐसे ऐसे एक नेता का नाम बताओ, गलत बातें मत फैलाओ, एक मुसलमान नेता का नाम बताओ। अरे नहीं ये कोई तरीका है, इल्जाम लगा के चले जाओगे? सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई पैनलिस्ट थोड़ी है, ऑडियंस को क्यों डांट रहे हैं? अरे ऑडियंस में भी गलत सवाल क्यों करे आदमी? फारूक अब्दुल्ला ने की है पैरवी, क्या बोले जा रहे हैं? इनको पता ही नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पीओके दे दो उनको, उसकी कोई जरूरत नहीं। फारूक अब्दुल्ला बहुत कमजोर है, बोला है फारूक अब्दुल्ला इनका साथी है, महबूबा मुफ्ती ने बोला है। मेरे प्यारे दोस्त सुन लो, फारूक अब्दुल्ला इन्हीं की पार्टी के, इनके प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की कैबिनेट में बहुत बड़े मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला ने जिसको गाली दे रहे हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर राम मंदिर अयोध्या बनेगी तो उसमें पहली उनका उसको हाउस उनका एक सेकंड बेटा तुम्हारा प्रश्न उसका उत्तर सुन लो। उनका सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू अपनी बात नहीं कर पाएंगे तो कहां करेंगे? 57 इस्लामिक देशों में तो कर नहीं पाएंगे। बताइए, पहली चीज हिंदू मेजॉरिटी में है ये तो मानते हो? क्या देश में सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में कहीं भी पृथ्वी पर माइनॉरिटीज को दबाना, खड़े होकर के बोलना कि बोलो कि तुम इस देश के नागरिक हो, बोलो तुम पेट्रियोटिक हो, प्रूफ करो तुम पेट्रियोटिक हो, और लोग रोज उनका जलूस निकालना? ठीक है, क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट है? 10 सेकंड और सवाल ले रहा हूं। एक सेकंड सर, आप डिबेट में नहीं है, 10 सेकंड भले ही आप हमें 10 सेकंड दीजिए, मगर भारत का भविष्य भगवाई होगा। मगर एक छोटी सी बात कह रहा हूं, भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा, भगवाई सुनिए दादा, आपके बोलने सुनिए, भविष्य सुनिए नहीं होगा, दादा बोलने आप तिरंगा नहीं मानते दादा, तिरंगे में भगवा है ना, तिरंगे में तो हरा भी है, तिरंगे में भगवा है ना, ये बीजेपी के टुकड़ों की बजा रहे हैं। अब सुनिए दादा, बीजेपी के टुकड़ों की बजा रहे हैं, बोल मैंने आपके 40 सेकंड में, आपके 40 सेकंड में मैं बोला तो नहीं, बीजेपी के टुकड़ों की, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, भिक्षा यात्रा के नाम पानी पूनी पीजिए, भिक्षा यात्रा के नाम पे हिंदुओं को मत ठगो, ये कहो जी मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, बात बहुत बहुत धन्यवाद, हर आदमी को अधिकार है करने, धन्यवाद। कौन किसकी बजा रहा है अभी बताएंगे स्वामी दिवाकर दादा, मैं बहुत मैं दो छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का छोटी सी बात, भगवा वो मंत्री खड़ा होकर के कहे कि सब एक होकर डाले तो नजारा बदल गया, मैंने भगवा का जिक्र तक किया, सोचिए देखिए कूदने का आलम, ये छत वत तोड़कर बाहर निकल जाते, मगर मत करिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएंगे, अरे 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 इन्हें पढ़ा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, सुनिए इन्हें पता है कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, अमीश भाई बोलने नहीं दे रहे यार, ये कैसे चलेगा? एक सेकंड अगर नहीं बोलने दे रहे दादा मैं वहां जाकर बैठूंगा, मेरा निवेदन नहीं, मुझे बोलने नहीं देंगे, इन्होंने कहा कि संविधान की बात नहीं हो रही है, मुस्लिम आरक्षण संविधानिक है जो कांग्रेस ने कर्नाटका में करने की बात की, मुस्लिम कांग्रेस से बोला है, कांग्रेस ने किया है, उसको हमने हटाया अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ, हटाने की कोशिश करेंगे, यही बैठते हैं तुम्हारे बीच में ही, क्योंकि वहां पे बोलियो देने नहीं जाते भाई, इनको चलाने दीजिए अपना एजेंडा, हम इधर ही बैठ जाते हैं, आप ये चिल्लाते रहो, और इनसे पूछो संवैधानिक है ना आप, तो तीन तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटाने, आप समर्थन है नहीं है, बोलिए। अच्छा स्वामी जी आप इधर मत बैठिए, अच्छा नहीं लगता ना, मेरा निवेदन है खड़े होइए, आप इधर मत बैठिए, ना दादा तो फेम लेने की बात है, ये फेम लेने की बात है, ये मात्र इतना से वहां से ज्यादा फेम मिलेगा, देखिए वहां से ज्यादा फेम मिलेगा, दूसरे की जरूरत हम अच्छी तरह से कम से कम दादा पहले खड़े होइए, मैं छोटा था तो पढ़ता था, फिर तालियां बजवाइए, छोटा था तो पढ़ता था कि जुबान का खराब होना दिमाग का खराब होने का प्रथम लक्षण है, तो जब शब्दों पर अपने कंट्रोल रखिए, दूसरे को अपने जैसा मत बनाइए, किसी ने आपको बुरा नहीं कहा, आपने आपके काम को गलत कहा जा रहा है, मुझे बोलने नहीं कहा जा रहा है, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, भगवान नहीं है क्या, आपके लिए हम बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप भगवान नहीं हो, अरे ठीक है, मैंने देश का भविष्य तिरंगा ही रहेगा, नहीं दादा आप इसको हिंदू राष्ट्र, आपकी आपने बात समझी नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की जो साजिश है उसके हम विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, तीन बार अब हो गया, बैठिए बोलने दीजिए, तीन बार अब आपने अब उनको 30 सेकंड बोलिए, अब आपने विरोध दर्ज करा लिया, आपका विरोध स्टाइल में भी बोल कर गए, तीन बार करेंगे कर तलाक देकर गए नहीं गए, अभी 2 मिनट बाद फिर बोल पड़ेंगे। तो मेरा सवाल है कि बिहार में कास्ट बेसिस पे क्यों हो रहा है, वो इकोनॉमिक बेसिस पे क्यों नहीं हो रहा है? गुड क्वेश्चन दादा, मुझे उत्तर देना, मेरी बहन, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां जहां शोषण हुआ है वो इकोनॉमिक के आधार से ज्यादा
जाति के आधार पर जहां भी शोषण हुआ है, आप गांव में जाइए, देहात में जाइए, और जाकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश करीब है, 10 सेकंड दीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश करीब है, साथ में चलिए कि किस प्रकार से नीची जाति वाले लोगों के साथ, जो हमारे बराबर के भाई हैं, उनके साथ अत्याचार किस प्रकार होता है। शादाब चौहान जी, आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं हैं, जाति व्यवस्थाएं इस्लाम में माना जाता है, मैं खुद इस्लाम फॉलो करता हूं इसलिए कि कोई जाति नहीं होती, ठीक है, धर्म धर्म एक समान सबको ट्रीट करता है। तो फिर मुस्लिम में ओबीसी और आरक्षण मांगना और दलित के लिए भी आरक्षण मांगना कि दलित मुस्लिम भी होते हैं, ये बात क्यों करते हैं? और दूसरी बात मेरी पूरी हो जान दीजिए। विवेक जी अभी अभी भारत का लेक्चर दे रहे थे स्वामी जी को कि भारत का भविष्य भगवा होगा, ये एंटी नेशनल है। विवेक जी की पार्टी ने भारत की सेना को खून देने से मना कर दिया था इंडो चाइना वॉर में। और दूसरी बात तो ये क्या है, जब भारत की सेना को खून देने के खिलाफ थे, और दूसरी बात महात्मा गांधी तो राम राज्य की, प्रभु श्री राम की और गौ कशी की बंद हो जाए ये बात करते थे, क्यों महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक है, हमारे संविधान की कॉपियों में प्रभु श्री राम की तस्वीर है, तो क्या सांप्रदायिक है संविधान? संविधान सांप्रदायिक है? विचार रखिए। विवेक जी से कहना है कि जैसे इन्होंने द्रविड़ मूवमेंट की बात करी थी, तो क्या द्रविड़ मूवमेंट में कुछ भी हुआ हो, चलिए मानते हैं कि बहुत बुरा हुआ वहाँ पे दलितों के साथ, द्रविड़ों के साथ, लेकिन फिर भी क्या ये किसी पार्टी या नेता को हक देता है कि किसी दूसरी रिलीजन का, सनातन का जिनोसाइड करने की बात करने का? पॉइंट। लेकिन अब शांत, उन्होंने विचार रखा, देखिए जी मैं ओके स्वामी दीपांकर, 10 सेकंड। मैं इतना सा कहूंगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का ही पुस्तक लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जरूर पढ़िए। दूसरी पुस्तक है हुआर शूद्रा, जिसका चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि शूद्र का जिक्र किसी मनुष्य से नहीं है। और तीसरी अंतिम बात क्या, अगर अपनी वाणी को विराम दूंगा, हम लोगों को बांटने के लिए तो जाति पूछी जाती है और काटने के लिए धर्म, तब आप कहीं खड़े नहीं होते। हाँ अब ठीक है, अब मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आज मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि ये बात कही गई कि सवाल, देखिए सनातन धर्म में क्या सवाल नहीं पूछे जा सकते? सनातन धर्म तो वो विराट धर्म है जिसमें बीच युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछे तो गीता का ज्ञान मिल गया था, ये बात सत्य है। और जहां तक बात है भगवा की, तो भगत सिंह ने जब इस मुल्क के लिए शहीद हुए तो एक ही गीत अक्सर हम सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, बसंत रंग कौन सा है ये भी पूछ के देखिएगा। तो भगवा इस देश की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इस देश के विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। जो देश प्रभु राम का देश है, वासुदेव कृष्ण का देश है, बुद्ध का देश है, उस देश में आप युद्ध की बात करेंगे तो करेंगे कैसे? क्योंकि यहां युद्ध भी होगा तो महाभारत जैसा होगा, क्योंकि जहां धर्म ही अधर्म का नाश करता है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, आज के इस एडिशन में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान मेरे साथ आए। लेकिन विवेक जी, निवेदन आपसे रहेगा कि आइंदा जब आइए कार्यक्रम में तो थोड़ा दूसरे को भी बोलने दीजिए, ऑन अ लाइटर नोट। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।